दिल्ली का नाम बताइए भैया। रॉयल तन 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 डिस्प्ले टेबल। अच्छा तो भैया मेरे 21 से हमें समझाना है ना। हाँ तो समझ लो ना क्या लिखता थी उसमें। पहली एंट्री नहीं बताइए आपका। अरे मई माय का बिजली मिल चुका है। मई माय का बिजली मिल चुका है 21/6। अरे ऐसा मत करो दीदी। 21/6 कैश चेक दिया है। क्या दिया है? स्टेट बैंक का चेक दिया है। दिख रहा है ना बाजू में बिजली बिल। अल्ट सी किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बना दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना भैया? 2000 एफ टू के किया 2200। 2200 में क्या हो गया? दूसरी एंट्री क्या है? 50,000 रुपए का नगद माल। तो F2 दबाया। अरे ज्यादा हो गया अपन है। F2 22/6 में नगद माल बेचा कैश सेल्स। सेल्स कितने का? 50,000 रुपए का। इसमें क्या दिक्कत? नहीं कर पाए थे तुम। ठीक फिर अगली तारीख 23/6 में 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किए। कितने? 20,000 रुपए। अगली तारीख 24/6/9 में गोडाउन का महीमाए का किराया दिया। तो गोडाउन का महीमाए का किराया दिया। F5 कैश अल्ट सी रेंट ऑफ गो डाउन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 रुपए। ओके फिर इसके बाद 25/6 में एक्सिस बैंक ने 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा बैंक स्टेटमेंट के अनुसार। तो एक्सिस बैंक ने काट लिया तो अच्छी बात है। क्या बैंक चार्जेस के नाम से हमने बनाया था? कितना? 1,000 रुपए। फिर अगली तारीख में आए माल खराब हो गया। कितने का? 8,000 का। तो कहीं नहीं हो सकती है। एक तो यही हो सकती है। कहां हो सकती है? या हो सकती है जी। कहां पर? इसी में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है। क्या बनाओगे? गुड्स लॉस। कितना इनडायरेक्ट जी व्यय हुआ? कितने का? 8,000 रुपए। और 2 कर दिया परचेस में से जी। स्टॉक तो था नहीं तो परचेस में से उतना कम हो गया। तो ये हो गया आपका माल खराब हो गया। फिर इसके बाद F2 आया 27 में न्यूज। क्या लिखा है? न्यूज पेपर का मई माय का बिल चुकाया 200 रुपए न्यूज पेपर का। तो चुका देना भैया कैश अल्ट सी न्यूज पेपर इंटर। कितना? 200 रुपए। क्या लिख दिया?
अरे तो 200 कर लो। अट्ठाईस तारीख में कितना है टेलीफोन का माय का बिल चुकाया 2000 रुपए है। टेलीफोन का काय से चुकाओ भैया? एसबीआई से। टेली फोन एक्सपेंसेस 2000, इसका तो नहीं लिख लिया था। 29, 30 फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया कैश, फिर फर्नीचर रिपेयर्स आओ एक रह गई, कौन सी 29? चलो ये खुद बना तो दे हमें। हाँ एक और एंट्री 29 में क्या रह गई? 25000 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया, ठीक जी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नीचे भी लिखा है, क्या लिखा है? एसबीआई बैंक कमीशन 40 रुपए, ये लिखा था कि नहीं लिखा? लिखा है तो लिख लो, बैंक कमीशन 40 रुपए, उसी एंट्री में 40 रुपए भी कटा है। डिमांड ड्राफ्ट बना तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? तो वो 40 रुपए भी हमारे खाते से कट गए। तो भैया कितना कटा? के एंड संस को कितने का दिया? 25000 रुपए। अरे यार जी डबल डबल के एंड संस का यार, क्या लिखा है? डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किया चुका। तुम्हारी में गलती हो गई कहीं ना कहीं पक्का। क्या हुआ है? भुगतान किया है तो पेमेंट में जाएगा, स्टेट बैंक से किया है कितना? के एंड सन से कितना? 25000। ये डेबिट क्रेडिट कब आ गया? मई माह को कहा है? चलो अभी तुमने एडजस्ट कर दिए। और बैंक चार्जेस कितना? 40। तो बैंक खाते से कितने कटेंगे भैया? देखो 25000 40 रुपए कट जाएंगे, काय काय के केकेएन संस को चले जाएंगे 25000 और कमीशन चले जाएंगे 40 रुपए, इसलिए बैंक चल रही है। फिर आया भैया फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान, हाँ कर दे भैया नहीं मानता है तो फर्नीचर रिपेयर से 1000 रुपए नगद भुगतान। क्लियर कर पाओगे? एक साथ सरल हाउस को 20000 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया, लिख दो भैया सरल कितने का? 20000 रुपए, ठीक है। अगली तारीख हमने F2 करके बदल ली। दीपक सिंह वृद्धर इन लाख को 3 माह का अप्रैल मई जून का ब्याज चेक से दिया, कौन सी बैंक? SBI, कितने परसेंट? 1.5%। तो भैया 1.5% निकालो तो पहले कितना था वृद्धर इन लाख का? 50000। कितना था का? 1.5 भागित गए कितना निकला? 750 गुणित गए 3 कितना हुआ? 2250। कितना हुआ? 2250। तो 2250 भैया पहले एंट्री तो करना पड़े है क्या? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2202 क्या दीपक? देखो 52250 हो गए दीपक के, 50000 पहले से चल रहा है। दीपक सिंह का देखना 50000 लिखा है ओपनिंग ही बैलेंस। तो भैया ये 2250, हाँ ये 2250 की एंट्री आपको करना पड़ेगी जर्नल में। क्लियर?
एक्सेप्ट किया इसके जस्ट बाद, इसी तारीख में क्या भुगतान किया, कौन सी बैंक से, स्टेट से, किसको, दीपक को, कितना, 2250,000 जो बचा था वो बचा, बाकी ब्याज उसका चुका दिया, राइट। अगली तारीख की बात करते हैं, अजय सिंह ने 10,000 रुपए घर खर्च के निकाले, तो पेमेंट कहां से, कैश, किसने, मिस्टर अजय सिंह ने 10,000 रुपए घर खर्च के लिए निकाले, राइट। फिर अगली तारीख क्या आ गया, नगद विक्रय वापसी, कितना, 5,000 रुपए, तो भैया क्रेडिट नोट जारी कर दो, पड़ा है नगद विक्रय वापसी, इनवाइस मोड में कर लो, ज्यादा टेंशन हो रही है तो, कैश, सेल्स, सेल्स, इंटर, कितना, 5,000 रुपए, ओके। अब 2,00,000 रुपए का माल गोदरेज कंपनी से खरीदा, क्या किया, तो F9 करोगे, किससे खरीदा है, गोदरेज तो हमें दिख नहीं रहा कहीं, तो लिख दिया गोदरेज कंपनी, अरे इन, अरे सन्डरी खरीदा है, तो क्रेडिटर, ओके, कितने का, 2,00,000 रुपए का, जी हमने 2,00,000 रुपए 5 तारीख में कर दिए। अब अगली तारीख आई क्या, 6 में 1,00,000 रुपए का भुगतान गोदरेज कंपनी को डिमांड ड्राफ्ट से किया, कौन सी बैंक से, एक्सेस, गोदरेज कंपनी, कितना, 1,00,000 रुपए, और इंटर, एक्सेप्ट, ओके। फिर F2, फिर क्या आ गया, 1,82,000 रुपए का नगद माल बेचा, तो कैश, क्या बेचा है, 1,82,000, F2 दबाया, क्या किया फिर, 8 में 5,000 रुपए की गिफ्ट आइटम गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए खरीदे, खरीद ले भैया हमें क्या तकलीफ हो रही, तुम तो पूरी दुकान बांट दो, व्यय है जी, कौन सा, गिफ्ट आइटम, कहे जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्रलोभन के लिए होता है कि मतलब ग्राहक बढ़ जाए। F2, 5,50,000 रुपए का, 50,000 रुपए एक्सिस बैंक में जमा किए, 50,000 रुपए, कितना, 25,000 रुपए का चेक सिल्वर एजेंसी से प्राप्त हुआ, जिसे स्टेट बैंक में जमा किया, स्टेट बैंक में किससे, सिल्वर है नहीं है, तो सिल्वर एजेंसी सन्डरी डेटर, अब जे एडवांस मिल गया हमें, क्या मिल गए, 25,000 रुपए एडवांस, इनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है, पैसे दिए किसी ने तो हमने एडवांस खाते में डाल दिए, ओके। अब इनका ये बता रहा है 18,894, गलत दिख रहा हूं मैं तो, बहुत नहीं दिख रहा, आ गया 18,38,4,